18 साल का एक दीपा नामक बालक गुरु गोविंद सिंह जी से अमृत छकने के बाद कैसे बना एक महान शूरवीर योद्धा बाबा दीप सिंह जी। 75 वर्ष की उम्र में जब आम लोग शारीरिक रूप से थक चुके होते हैं, तब बाबा दीप सिंह जी ने इसी उम्र में 15 किलो का भारी भरकम खंडा उठाकर मुगल फौजों के परखचे उड़ा दिए। तलवार के धनी तो थे ही, साथ में कलम के धनी भी थे। उन्होंने अपने हाथ से गुरु ग्रंथ साहिब जी की 4 प्रतिलिपियां लिखी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें अपने सामने बिठाकर गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखवाया। गुरु जी के साथ इतना प्रेम होने के बावजूद भी जब गुरु जी ने अनंतपुर का किला खाली किया, तब उस मुश्किल घड़ी में अपने शूरवीर योद्धा को आखिर अपने से क्यों दूर किया, क्यों उन्हें चमकौर के युद्ध में शामिल ना किया गया। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि श्री हरमंदिर साहिब को कैसे अफगानों के कब्जे से छुड़वाया गया, क्यों बाबा दीप सिंह जी की शहादत सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए हम सब मिलकर इस वीडियो में इन सभी बातों को जानें। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी 1682 में गांव पहुविंड जिला अमृतसर में हुआ। आप जी के माता पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के बहुत प्यारे सेवक थे। जब भाई दीपा जी 12 वर्ष के हुए तो वे अपने माता पिता के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन करने अनंतपुर साहिब आए। भाई दीपा उस वातावरण से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने घर जाने से इनकार कर दिया। अंतर्यामी गुरु जी ने उनके माता पिता को तब आदेश दिया कि भाई दीपा अब से हमारे पास अनंतपुर साहिब में ही रहेंगे। आपका यह बालक भविष्य में एक महान योद्धा बनेगा। हमें ऐसे ही सूरमों की बहुत जरूरत है। गुरु जी के पास रहकर भाई दीपा गुरु जी के संत सिपाही फौज में शामिल हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी का संकल्प था कि हथियारों की ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। एक पढ़ा लिखा मनुष्य ही अच्छा इंसान बन सकता है। भाई दीप सिंह जी ने पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाएं सीखी। उनकी लिखाई बड़ी ही सुंदर थी। गुरु जी का भाई दीपा के साथ बड़ा प्यार था। वे अक्सर कहा करते थे, ये हमारा दीपा है जो खुद पढ़ाई करके इस रोशनी को हमारे सिखों में फैलाएगा। 1699 में वैसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और अमृत छकाकर अपने 5 प्यारे सिख सजाए। अगले साल सन 1700 में होला महल्ला वाले दिन भाई दीपा ने 18 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ गुरु जी के हाथों अमृत छका और वे भाई दीपा से भाई दीप सिंह बन गए। भाई दीप सिंह जी का शरीर बड़ा ही बलवान था, इसलिए उन्होंने अपने लिए 15 किलो का एक भारी भरकम खंडा बनवाया। एक बार वे गुरु गोविंद सिंह जी के साथ शिकार खेलने गए तो अचानक एक शेर ने उन पर हमला बोल दिया। तब भाई दीप सिंह जी ने बड़ी बहादुरी से अपने खंडे से शेर के 2 टुकड़े कर दिए और गुरु जी पर आँच न आने दी। यह देखकर गुरु जी ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, भाई दीप सिंह तू सिख कौम का एक दिन महान योद्धा बनेगा। अनंतपुर साहिब में रहते हुए भाई दीप सिंह जी दिन रात गुरु जी की सेवा करते, आई संगतों को लंगर चकाते और बाकी समय गुरबानी पढ़ा करते। इतिहास में दर्ज है कि 1702 में उनके माता पिता अपने पुत्र का विवाह करवाने के लिए गुरु जी से आज्ञा लेने आए। गुरु जी ने भाई दीपा को घर जाने की इजाजत तो दे दी, साथ में हुक्म दिया कि भाई दीपा तुम अपने गाँव में रहकर सिखी फैलाना, अमृत छकाकर सिख सजाना, शस्त्र विद्या में निपुण करना, गुरबानी सिखाना और सिखों को कुशल योद्धा बनाना। साथ ही गुरु जी ने यह भी कहा कि जब हम आपको बुलावा भेजेंगे तब हमारे पास आ जाना, उससे पहले बिना बुलाए नहीं आना। गुरु जी की आज्ञा लेकर भाई दीप सिंह अपने घर लौट गए और फिर उनका विवाह हो गया। 2 साल बाद 1704 में गुरु जी ने अपने सिख को पहुविंड भेजकर भाई दीपा को अनंतपुर साहिब बुलवा लिया। इसके बाद जब पहाड़ी राजाओं और मुगलों ने अनंतपुर साहिब की घेराबंदी की, तब भाई दीप सिंह और भाई मनी सिंह जी हर पल गुरु जी के साथ ही रहे। ये घेराबंदी 7 महीनों तक चली। गुरु जी ने हार ना मानी, पर भूख से तड़पते हुए सिखों के द्वारा जोर डालने पर उन्हें किला खाली करना पड़ा। गुरु जी ने तब भाई दीप सिंह जी और भाई मनी सिंह जी को दोनों माताएं
माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी को एक सुरक्षित स्थान यानी दिल्ली पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। सारी मुगल फौज तब गुरु जी को गिरफ्तार करने में जुटी हुई थी, इसलिए दिल्ली जाने में भाई दीप सिंह जी को कोई मुश्किल ना हुई। उन्होंने दोनों माताओं को भाई जवाहर सिंह जी की हवेली में ठीक ठाक पहुंचा दिया। भाई दीप सिंह जी वहाँ रहते हुए भी बहुत बेचैन थे। वे किसी भी तरह गुरु जी के बारे में जानना चाहते थे, पर उन्हें कोई खबर ना मिली। माताओं से आज्ञा लेकर वे पहुविंड अपने घर वापस आ गए और लोगों से पूछताछ करते रहे ताकि उन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में कुछ पता चल सके। एक दिन गुरु जी का सिख शेर सिंह भाई दीप सिंह जी के घर आया और कहा कि गुरु जी ने आपको तुरंत तलवंडी साबो में बुलाया है। वे बड़े खुश हुए और उसी पल शेर सिंह के साथ चले गए। रास्ते में उन्हें शेर सिंह से पता चला कि गुरु जी के चारों साहिबजादे शहीद हो चुके हैं, माता गुजरी जी भी सचखंड जा चुके हैं और हमारे ढेरों सिख शहीद हो गए। ऐसी दर्द भरी खबर सुनते ही उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। बाबा दीप सिंह जी तलवंडी पहुंचकर गुरु जी के चरणों में गिर पड़े और भावुक होकर बोले, गुरु जी मैं आपसे दूर चला गया, मैं आपकी मुश्किल घड़ी में कोई सेवा ना कर सका। आपके चारों पुत्र माता जी और सब शहीद हो गए, मेरे सारे साथी भी शहीद हो गए और मैं अभी भी जीवित घूम रहा हूँ। तब गुरुजी ने भाई दीप सिंह जी की पीठ थपथपाते हुए कहा, हौसला कर गुरमुख प्यारे, अभी तो तूने बहुत सारे काम करने हैं, आने वाला समा बड़ा भयानक है। तुमने खालसे को अमृत छकाकर उस तूफान का सामना करने के लिए तैयार करना है, इसलिए मैंने तुम्हें और भाई मनी सिंह जी को घर वापस भेज दिया था, क्योंकि हम जानते थे कि मुगलों और पहाड़ियों का कोई एतबार नहीं है, सारे सिखों ने शहादत का जाम पीना ही था। इतिहास में दर्ज है कि कुछ दिनों बाद गुरुजी ने फैसला लिया और उन्होंने भाई दीप सिंह और भाई मनी सिंह जी को अपने सामने बिठाकर गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखवाना शुरू कर दिया। गुरुजी अपने आसन पर बैठकर बानी लिखवाया करते और भाई मनी सिंह जी और भाई दीप सिंह जी बानी लिखते जाते। शाम को जितनी बानी लिखी जाती, गुरुजी खुद उस लिखाई को देखते और मात्राएं ठीक कर देते। अगले दिन जब सुबह दीवान लगता तो गुरुजी उस बानी के अर्थ संगतों को समझाया करते। इस ग्रंथ को लिखवाने में उन्हें 9 महीने और 9 दिन का समय लगा। रागों के अनुसार गुरुजी ने भक्तों की बानी से पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी की बानी भी दर्ज करवा दी। इस तरह यह बीड़ तैयार हुई, जिसे दमदमी बीड़ का नाम दिया गया। जब गुरुजी सचखंड जाने से पहले नांदेड़ गए तो उन्होंने भाई मनी सिंह वाली बीड़ का प्रकाश किया और उस बीड़ को सिखों का अगला गुरु घोषित कर दिया और भाई दीप सिंह वाली बीड़ को उन्होंने दमदमा साहिब में रख दिया। इसके बाद गुरु जी का आदेश पाकर भाई दीप सिंह जी ने चार और गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रतिलिपियां तैयार की, जिन्हें चार अकाल तख्तों में भेज दिया गया। कहा जाता है कि भाई दीप सिंह जी रोज 14-14 घंटे बानी लिखा करते थे। गुरु जी के हुक्म अनुसार बाबा जी लगभग 30 साल तक दमदमा साहिब में ही रहे। वहां रहते हुए सिखों को गुरमत का ज्ञान दिया, उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई। बाबा जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रतिलिपि अरबी भाषा में भी लिखी थी, जो अब बगदाद में है। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी के ज्योति जोत समाने से पहले बाबा बंदा सिंह जी को खालसा फौज का जरनैल बनाकर पंजाब भेज दिया। उस समय बाबा बंदा सिंह की उम्र 38 साल की थी और बाबा दीप सिंह जी की उम्र 27 साल की। बाबा दीप सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह जी के साथ हर युद्ध में आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी, चाहे वो कपूरी की जंग हो, चाहे वो सरहंद की जंग हो या फिर सडोरा की हो। जिन मुगलों ने गुरु तेग बहादुर जी और चार साहिबजादों पर घोर अत्याचार किए थे, उन सब को बाबा बंदा सिंह बहादुर और बाबा दीप सिंह जी ने मौत के घाट उतार दिया। 1716 में बंदा सिंह बहादुर की शहादत के बाद फर्रुख सियर ने सिखों पर अत्यंत जुल्म किए। ये समा सिखों के लिए बड़ा दर्दनाक था। फर्रुख सियर ने तब हुक्म दिया कि एक भी सिख जिंदा नहीं बचना चाहिए। इतिहास में दर्ज है तब सबसे ज़्यादा सिखों के कत्लेआम हुए थे। उन्हें अपनी जान व परिवार बचाने के लिए जंगलों में रहना पड़ा।
वहां रहते हुए भी उन्होंने मुगलों के खिलाफ रणनीति बनाई। उन्होंने अपने आप को 12 मिसलों में बांट लिया और एक मिसल का मुखी दीप सिंह जी भी थे। उसी समय के दौरान एक और बड़ी समस्या थी कि अफगानी हमलावर नादिर शाह और अब्दाली ने भारत में आकर खूब लूट मचाई। यहाँ से सिर्फ धन दौलत लूट कर ही नहीं बल्कि वे हिंदू औरतों और बच्चियों और बच्चों को भी अपने साथ ले जाया करते थे। जब सिखों को इस बात का पता चला तो बाबा दीप सिंह और बाकी मिसल के मुखियों ने रात को अब्दाली पर हमला कर दिया और सारा लूटा हुआ माल और स्त्रियां, बच्चे छुड़वा लिए। इस बात से अब्दाली इतना चिढ़ गया कि उसने अपने पुत्र तैमूर को अमृतसर सिखों का खात्मा करने के लिए भेजा। उसे आदेश दिया कि जिस हरमंदिर साहिब के सरोवर का अमृत पीकर मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, उस सरोवर को मिट्टी से भर दो। दमदमा साहिब बाबा दीप सिंह को अमृतसर सरोवर की बेअदबी की खबर जब मिली तो वे बड़े गुस्से में भर गए। उनसे बर्दाश्त ना हुआ, वे उसी दौरान अपने सिखों के साथ अमृतसर को रवाना हो गए। उस समय बाबा जी की उम्र 75 साल की थी, फिर भी उन्होंने 15 किलो का खंडा उठाया और अमृतसर की ओर 5 सिखों के साथ चल पड़े। रास्ते में चलते हुए बहुत से सिख उनसे जुड़ते चले गए। देखते ही देखते कई हजार सिख बाबा जी के साथ आ गए। तरन तारण पहुंचकर बाबा जी के साथ कुल 10,000 सिख इकट्ठे हो गए। उस समय उन्होंने एक लंबी सी लकीर जमीन पर खींचते हुए कहा कि जिस सिख को शहीदी परवान है वही सिख इस लकीर को पार करे, बाकी वापस अपने घरों को लौट जाए। पर गुरु गोविंद सिंह जी के सारे सिख पल भर में ही लकीर पार कर गए और कोई वापस ना मुड़ा। दूसरी तरफ जब तैमूर और जहान खान को उनके आने की खबर मिली तो उन्होंने अपने 40,000 फौज को तैनात कर दिया। उसके पास इतनी ज़्यादा फौज होने पर भी मुट्ठी भर सिखों को देखकर वह डर गया। सिखों और मुगलों के बीच तब भयानक युद्ध शुरू हुआ। गुरु का एक एक कई सौ को पल में ख़त्म करने लगा, जिसे देखकर मुगलों के सिपाही मैदान छोड़कर भागने लगे। तब जहान खान ने अपनी फौज को गरज कर कहा, लड़ो और मरो, इन मुट्ठी भर काफिरों के डर से क्यों भागते हो? तब बाबा दीप सिंह जी ने ऐसा खंडा चलाया कि दुश्मन एक के बाद एक धरती पर गिरता चला गया। यह युद्ध गोलवड़ में हुआ था, जो अमृतसर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबा जी पठानी फौजों के साथ युद्ध करते हुए लगातार अमृतसर की ओर बढ़ते रहे। तैमूर ने अपनी और फौज भेज दी। कहते हैं वो ऐसा समय था जब अफगानी फौज सिखों पर भारी पड़ने लगी। सिखों की संख्या बहुत कम होने के कारण उन्हें युद्ध में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर 75 साल के बाबा दीप सिंह जी लगातार अमृतसर बढ़ते जा रहे थे। तब एक पठान ने अचानक बाबा जी के घोड़े पर जोरदार वार किया, जिससे बाबा जी नीचे गिर गए। 35 साल के पठान ने जब बाबा जी को ललकारते हुए कहा कि हिम्मत है तो अकेले मेरे साथ मुकाबला करो, बाबा जी ने चुनौती स्वीकार कर ली और उसके साथ भिड़ गए। काफी समय तक जबरदस्त जंग चली। लड़ाई के दौरान तब एक ऐसा समय आया जब इन दोनों की तलवारों ने एक दूसरे की गर्दन पर एक साथ ही वार किया और फिर वे दोनों ही जमीन पर गिर पड़े। बाबा जी की गर्दन धड़ से अलग हो गई। उनकी ऐसी हालत देखकर मुगल फौज भागने लगी। वह दृश्य दिल दहलाने वाला था। बाबा जी ने अपना कटा शीश अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया और दाएं हाथ में खंडा पकड़कर दुश्मनों पर वार करते गए। कहते हैं बाबा जी तब हरमंदिर साहिब की ओर बढ़ने लगे। बाबा जी का सारा शरीर खून से लथपथ था, पर उन्हें हर हालत में श्री हरमंदिर साहिब पहुंचना था। आखिर उनकी इच्छा पूरी हुई, अमृतसर आजाद करवाकर अपना शीश हरमंदिर साहिब में भेंट करके बाबा जी शहीद हो गए। जहां बाबा जी ने अपना शीश रखा था वहां उनका स्थान बनाया गया है, जो हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में स्थित है। जहां बाबा जी का संस्कार किया गया था वो स्थान हरमंदिर साहिब से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे गुरुद्वारा शहीदगंज बाबा दीप सिंह जी के नाम से जाना जाता है। इस तरह अमृतसर वैरियों से आजाद करवा लिया और फिर सिखों ने
बाबा दीप सिंह जी का प्रण पूरा करते हुए सारा सरोवर साफ कर दिया था। जब तक सिख कौम जिंदा है, बाबा दीप सिंह जी एक जिंदा शहीद तौर पर पूजे व सत्कार योग्य माने जाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।